चलेंगे एक माहिर के पास। लाहौर के अंदर वैसे तो बहुत सारे लोग हैं। ये बंदा जो है ना, ये एक तो मिनट बाद आया, न्यासी अड्डा हमारा यहाँ पे बड़ा मशहूर। आपके भी बना लेते हैं ना, पेट्रोल डलवाने आए तो एक दो रुपए कम रखा करें। दूसरी टिप ये है कि हमेशा जब आप फिलर के नोजल में देखेंगे ना तो 3 पॉइंट होते हैं। ये कार्ड से कर दें पेमेंट, कार्ड भी दे देना। अस्सलाम वालेकुम जी, फैज़ान चौधरी को आप देख रहे हैं, वेलकम टू अनदर व्लॉग। तो आज का व्लॉग जो उनसा है वो होने जा रहा है थोड़ा सा मैकेनिक वाला। गाड़ी का जो काम था टूर के बाद सियालकोट का गए, वो खैर अपनी गाड़ी पे तो नहीं गए थे, वो साथ गए थे। उसके बाद उकाड़ा गए थे, वो अपनी गाड़ी पे गए थे। उकाड़ा जाने के बाद हमने गाड़ी की सर्विस करवाई और वो सारा कुछ मैंने आपको दिखाया। मैकेनिक का जो काम था, ऑयल शॉयल चेंज करवाना, फ़िल्टर चेंज करवाना, एक दो आवाज़ें आ रही थी ब्रेक शेक की, वो सारा कुछ निकलवा लिया था। अब इसका एक काम बस रह गया और वो बड़ा ज़रूरी है। वो इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर वो ठीक ना हो तो आपके जो टायर है ना उनकी लाइफ कम हो जाती है। चुप कर बे कुत्ते। अब वो काम ये है कि वो भाईजान गाड़ी की जो व्हील बैलेंसिंग और अलाइनमेंट है ना वो करवानी है, तो लिहाजा चलेंगे एक माहिर के पास। लाहौर के अंदर वैसे तो बहुत सारे लोग हैं अलाइनमेंट और व्हील बैलेंसिंग करने वाले। इवन हर वर्कशॉप ने भी अब तो लिख के लगा लिया हुआ है कि व्हील बैलेंसिंग और अलाइनमेंट करवाएं कंप्यूटराइज तरीके से। लेकिन मेरा कह लें कि जो यकीन और एतमाद है ना वो एक ही बंदे पे है, वो बैठता है UET। अगर तो आप लाहौर के रहायशी हैं तो आपको पता होगा, गड़ी शो से जब आप उतरें तो UET के पास राजी मोटर्स हैं, जो कि क्या कहते हैं व्हील बैलेंसिंग और अलाइनमेंट करता है, वो बड़ी बेहतरीन करता है। ये बंदा जो है ना, ये एक तो मिनट बाद आए। हाँ जी, उनकी मसला है PHA वाले। चलो मैं PHA के उसको कहता हूँ, वो क्या कहते हैं, कहना क्या चाह रहे हैं भाई आप? PRO को कहता हूँ ना, PHA के, वो आके उतार देगा। करते PHA वाले ही हैं। मसला ये है भैया कि ये एक दरख्त आप देख रहे हैं, इसकी एक बड़ी जड़ जून सी है ना, वो क्या कहते हैं उसको, टहनी टूटी हुई है इसकी, वो नीचे गिरने वाली है। तो गाड़ी मेरी नीचे खड़ी होती है, ये आप देखते हैं, तो इसलिए ख़तरा ये है कि कहीं गाड़ी पे ना गिर जाए, तो इसको उतरवाना है। तो PHA वालों को रिक्वेस्ट करेंगे, वीडियो में भी कर देते हैं, वैसे भी मैं फ़ोन करके उनको रिक्वेस्ट कर दूंगा कि भाईजान आके ये उतार दें कि हमारी गाड़ी का नुकसान ना हो जाए। तो लिहाजा अब चलेंगे गाड़ी की व्हील बैलेंसिंग और अलाइनमेंट की तरफ। तो भाई जान छाड़ दें मेरी। भाईजान अब जो है सफ़र का आगाज़ करते हैं और रास्ते में भी जो जो चीज़ें होती रहेंगी वो आपको दिखाते रहेंगे और साथ साथ बताते रहेंगे कि क्या हो रहा है और क्या होने जा रहा है। अब भी अच्छा, मैं बात कर रहा था कि व्हील बैलेंसिंग और अलाइनमेंट के हवाले से बहुत से मैकेनिक वैसे तो लाहौर में, जिस तरह हर बंदे ने मैंने पहले भी बताया कि लिख के लगाया हुआ है, लेकिन जो अच्छी व्हील बैलेंसिंग और अलाइनमेंट है ना वो कोई कोई ही करता है। चल झूठा। तो वो करवाने के लिए अभी हम जा रहे हैं बंदे के पास। वैसे तो एक राजी मोटर वाला है, एक उसके अलावा भी एक दो और लोग भी हैं, वो भी बड़े मशहूर हैं, तो उस उनके वाले से भी बात करेंगे। तो यार ये एक पीछे चिट्टी गाड़ी खड़ी है वाइट वाली, वो भी अपनी हजरत नज़र रखी उसको। चल झूठा। नहीं हम 10 अभी ये शाम को चली जानी है वो। बस दे ली गड्डी ना नुकसान करी। नहीं नहीं मेहमान आए हुए हैं। अच्छा जी, तो एक मेहमान आए हुए थे गुजरा वाला से हमारे। नहीं जी, गाड़ी का फ्यूल की लाइट भी जल गई है, फ्यूल आजकल वैसे ही बड़ा महंगा हुआ है। 333 रुपये लीटर फ्यूल जो है इस वक्त मिल रहा है मार्केट में, और वैसे अगर ऑफिशियल प्राइस मेरे ख्याल से 331 है, पता नहीं, कंफर्म नहीं है मुझे, आपको ज़्यादा कन्फर्म होगी, लोग नेट पर सर्च भी कर लेते हैं, तो मैं अभी चूँकि सर्च नहीं कर सकता इसलिए वैसे आपको जो मिल रहा है पेट्रोल वो 332 मिल रहा है कहीं पर, कहीं पर 333 मिल रहा है। तो अच्छा, बात करेंगे व्हील बैलेंसिंग और अलाइनमेंट की। तो लाहौर में ना दो तीन लोग हैं जो बड़े माहिर समझे जाते हैं, जिनमें से जो सबसे माहिर है ना वो मेरी नज़र में तो यही राजी मोटर्स वाला है। तो राजी मोटर्स से मैं पहले भी व्हील बैलेंसिंग और अलाइनमेंट वहीं से करवाता हूँ। अच्छा, जब मैंने जब गाड़ी ली थी ना तो एक बंदा है, उसका मुझे नाम जेन से निकल गया, वो 24 आवर्स सर्विस पर होता है व्हील बैलेंसिंग और अलाइनमेंट के वाले से, व्हील बैलेंसिंग और अलाइनमेंट के वाले से ना, तो वो 24 आवर सर्विस पे होता है ज़्यादातर। उसके पास बड़ी गाड़ियाँ आती हैं, बसेस और ट्रक टाइप ना, लेकिन मुझे उससे व्हील बैलेंसिंग और अलाइनमेंट का ना कोई मज़ा नहीं आया था ख़ास। तो फिर उसके बाद एक दोस्त आया हमारा, तो सैफ भाई, आजकल UK चले गए हैं, कैमरामैन थे हमारे साथ, वीडियोग्राफर थे, उनके साथ एक भाई होते थे फहद भाई, गुड्डू भाई जिनको हम कहते हैं प्यार से, एक्सप्रेस में हैं वो,
तो उन्होंने मुझे बताया कि यार राजी मोटर्स के पास जाओ और उनको जाके आपने मेरा बताना है और फिर उनसे कहना कि व्हील बैलेंसिंग और अलाइनमेंट करवा लें। तो जब उनसे करवाई तो यार गाड़ी मक्खन मलाई, अब दोबारा मक्खन मलाई करवाने जा रहे हैं। तो जाएंगे रास्ते में आपको चीज़ें दिखाते जाएंगे। अभी मैं निकला हूँ अपने इलाके से, इलाका आपको दिखाते हैं। ये इलाका है जहाँ से हम निकले हैं और वो है मौला बख्श चौक वाला इलाका जहाँ से हम इस वक्त निकले हैं। और अब हम इस वक्त जा रहे हैं भाईजान मलक पार्क से गुजरते हुए मौला बख्श चौक, नहीं हसन शाह के आरे की तरफ। हसन शाह के आरे से हम फिर जाएंगे आज़ादी चौक की तरफ, आज़ादी चौक से जाएंगे घड़ी शो की तरफ, घड़ी शो से जाएंगे यूईटी की तरफ, फिर पहुंचेंगे राजी मोटर्स पे। बोर कर रहा हूँ आप लोगों को, तो आप लोग साथ साथ थोड़ा सा बस रास्ता देख लें, फिर अगर कोई रास्ते में कोई इंटरेस्टिंग चीज़ होगी ना तो वो आपको दिखाऊंगा। ले जी भाईजान, ये आ रहे हैं। अभी फ्यूल की लाइट जल रही है, कोई नहीं, इसमें लाइट जलने के बाद भी कुछ 7-8 लीटर फ्यूल होता है, तो वापसी पे पेट्रोल भी डलवाएंगे। और पेट्रोल डलवाने का ना कोशिश करूँगा आप लोगों को ना एक नुस्खा भी बताऊँ, नुस्खा इस तरह से कि आपको पता है हम माशाल्लाह से इतने गयूर और ईमानदार कौम है ना कि हमने कुरानी आयात लिख कर इस्लाम का लबादा ओढ़ कर झूठ बोलना होता है और मुनाफ़त करनी होती है। तो ऐसे ही कुछ हमारे पेट्रोल पंप वाले, कुछ सारे नहीं लेकिन कुछ ज़्यादातर जो लोग हैं ना वो उस तालाब की गंदी मछली की तरह हैं जो कि बाकी तालाब को भी गंदा करते हैं और पैमाने में जो है ना 2 नंबरी करते हैं। मैं इंक्वायरी कराना तेरा, मैं साफ लाना, मैं चेक करना, मैं तुम्हें मतलब पैसे वो लेते हैं लीटर के और डालेंगे आपको 1.25 लीटर। तो इसलिए जब पेट्रोल पंप पे पहुंचेंगे ना वहाँ पे वीडियो बनाऊँगा कि जब आप पेट्रोल डलवाने जाएँ तो किन बातों का ख्याल रखें और पेट्रोल फिलर को जो फिल कर रहा होता है या जो नोज़ल जिसके हाथ में होती है उसको आपने क्या कहना है पेट्रोल डलवाते हुए ताकि आपको जो पेट्रोल है ना वो पूरा मिले। वैसे ये भी दिल को तसल्ली है, जिसने जुगाड़ लगाना है या जिसने 2 नंबरी करनी है उसमें भी कर लेनी है। तो ये भाईजान ये रोड है मलक पार्क वर्क की बैक साइड वाला अमीर रोड के ऑपोजिट रोड है, और ये कोई पिछले 4-5 माह से इसी तरह। अब उम्मीद ये की जा रही है कि इलेक्शन चूँकि अनाउंस हो गए हैं इलेक्शन कमीशन की जानिब से, तो हो सकता है इन सड़कों की सुनी जाए, क्योंकि जो हमारे सो कॉल्ड हुक्मरान होते हैं ना वो इन्हीं बुनियादों पर आके आपसे वोट मांगते हैं कि भाई जान हमने आपकी सड़कें बनवा दी। पूछा मैंने कुछ? ये देखें, ये इस वक्त ये सड़क का हाल है। अच्छा, फिर मज़े की बात ये होती है कि हम ऐसे मासूम लोग और हम क्या कह लें शरीफुल नफ्स इंसान होते हैं ना कि हम भी सिर्फ सड़क बना के दे हमारे कोई तो हम उसको वोट डाल देते हैं। हम ये नहीं देखते कि उस खबीस ने क्या किया है, उस खबीस ने पिछले 4 माह में कितनी गाड़ियां तबाह हो गई हैं इस रोड ख़राब होने की वजह से, कितनी मोटरसाइकिलें गरीबों की ख़राब हो गई हैं, सस्पेंशन ख़राब हो गई है। देखा आपने, लापरवाही का नतीजा है। ऐसा लोगों को अंदाज़ा नहीं होता कि ये इतनी जल्दी क्यों आता है, वरना सस्पेंशन का काम कभी भी किसी भी व्हीकल का इतनी जल्दी नहीं निकलता अगर आपके रोड्स ठीक हों तो। पर हमारी बदकिस्मती ये है कि हमारा हर दूसरा रोड जो खड्डा है, और फिर वो देखें ये हालात है मेन रोड पर, ये कितना बड़ा खड्डा है। अभी इसमें कोई बंदा गिर जाए मर जाए कोई जिम्मेदारी नहीं। ये देखें ये कितने डूंगे डूंगे खड्डे हैं। तो भाईजान ये सूरत हाल है यहाँ की, और ये खाली इस इलाके की नहीं है, इस वक्त तो पूरे लाहौर की अगर बात करूँ तो लाहौर की हर दूसरी गली का ये हाल है, हर दूसरी सड़क का ये हाल है। निगरान वज़ीर आला साहब मोहसिन नकवी साहब हैं, वो पब्लिसिटी स्टंट के चक्करों में मेन तो बनवाई जा रहे हैं रोड्स, लेकिन जो अंदरून वो रोड्स हैं या अंदरून सड़कें हैं उनका किसी को कोई ख्याल नहीं है। अब इन भाई साहब को भी हमारा ख्याल नहीं है, देखें मेन रोड में इतना लंबा खंबा लेके जो है ना वो खड़े हो गए हैं, कोई एहसास नहीं है कि पीछे कोई बंदा आ रहा है तो उसको रास्ता भी देना। वाली साहब की रोड है ना, क्या करें, हर बंदे की मर्ज़ी चलती है। अभी तक मैं इस तबाहकुन रोड से जो है ना वो निकल नहीं पाया। A few moments later. नहीं भाईजान, थोड़े से अंदरून मुसाफत के बाद हम फाइनली मेन रोड पे आ गए हैं, और ये ऑपोजिट है शाही किले के और मीनार पाकिस्तान के रोड है,
जो कि बादामी बाग और लाड़ी हड्डी को भी रास्ता जाता है। यहाँ से आप सब्ज़ी मंडी की तरफ भी जा सकते हैं। अभी हम खैर जा रहे हैं एक मोरिया पुल की तरफ, बड़ा मशहूर है लाहौर का एक मोरिया पुल भी ना, तो यहाँ से हम जाएंगे एक मोरिया पुल की तरफ। एक मोरिया पुल से चमड़ा मंडी वाले रास्ते से होते हुए यूईटी पहुँचेंगे और वहाँ से यू टर्न लेके राजी मोटर्स के पास। वैसे यहाँ पे ना अमूमी तौर पे ट्रैफिक बहुत होती है, क्योंकि इस साइड पे अगर आप देखें ना तो हमारे लाड़ी अड्डा है, ये सारी बसें शस्से जाम की हैं ना, यहाँ से जाते। मतलब आपने विद इन अ कंट्री किसी भी सिटी में मूव करना हो तो मोस्टली यहाँ से गाड़ियाँ जाती हैं, वरना न्यासी अड्डा है हमारा यहाँ पे बड़ा मशहूर, वहाँ से भी लोग जो है ना वो ट्रैवल करते हैं। तो अभी हम यहाँ से गुजर रहे हैं लाड़ी अड्डे वाली साइड से, पीछे लोग बड़े काले हुए पड़े हैं, हारन पे हारन नहीं जा रहे हैं, पर हम साथ साथ आपको साथ रखेंगे, छोड़ेंगे नहीं, आपको चीज़ें दिखाते रहेंगे। आप वो कहते हैं ना कि जब ठान ली है व्लॉग बनाने की तो आप बना के रहेंगे। बेटा तुमसे ना हो पाएगा। तो बनाते रहेंगे चाहे आप देखें या ना देखें, हमने अब काम करते रहना, कभी ना कभी तो इसका रिवॉर्ड मिलेगा। जिस दिन भी रिवॉर्ड मिलेगा उस दिन सबसे पहले जो खुशी होगी वो आप ही के साथ शेयर की जाएगी। तो भाईजान मुझे खुशी है कि मेरी वीडियोज़ जो हैं वो चलना शुरू हो गई है। अब ये इस वक्त रास्ता जो है ना, ये आप देखें कि ये रास्ते से हम होते हुए जा रहे हैं। तो ले जी भाईजान, को 15 से 20 मिनट की मुसाफत के बाद हम जो है ना पहुंच चुके हैं राजीव मोटर्स पे। तो जब आप ये यूईटी वाले रोड पे जा रहे हो ना, तो आप ये याद रखें कि वो सामने आपको बट स्वीट का जो बोर्ड नज़र आ रहा है ना, उसके ऑपोजिट जो यू टर्न है, ये अभी जो मैं लेने जा रहा हूँ, यहाँ से आपने जब भी यू टर्न लेना है तो यू टर्न लेते साथ ही आगे जो है ना वो राजीव मोटर्स आएगा। अगर उसके ऑपोजिट आपको ये कुजी अलीम वाला नज़र आ जाएगा, ये वार्लियन इंटरकूल सर्विस सेंटर है, फिर उसके बाद लाहौर कॉलेज का बोर्ड लगा हुआ है, सामने लाहौर कॉलेज भी है। तो ये इस यू टर्न से आपने अपनी गाड़ी को वापस घुमा लेना है चमड़ा मंडी वाली साइड पे, या यूँ कह लें कि क्या कहते हैं गड़ी शो का जो ब्रिज है उस साइड पे। तो फिर आपके जो लेफ़्ट साइड पे है ना वेरी नेक्स्ट, मतलब अगले यू टर्न आने से पहले पहले आपका जो राजीव मोटर्स है जिसके बारे में मैं बात कर रहा था वो आ जाएगा। और मेरे ख्याल से तो लाहौर में ये बेहतरीन बंदा जो है ना वो है जो व्हील बैलेंसिंग और अलाइनमेंट करता है। अब ये हम ऑलमोस्ट पहुंच गए हैं, ये देखें जी, ये एक नया, मेरे ख्याल से पहले नहीं था यहाँ पे, ये एक रेस्टोरेंट खुला है मोटा मामू के नाम से, मोटा मामू का खाना जीने का बहाना। वाह 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 वाह, ले जी हमारा राजीव मोटर्स आ गया। अच्छा, राजीव मोटर्स की ना 3 शॉप हैं, तो जो बड़े उस्ताद जी हैं ना वो होते हैं पहली वाली पे, सबसे पहली वाली पे, सबसे पहली वाली पे होते हैं उस्ताद जी। उस्ताद जी हैं ठीक है, आप बताएं कैसे? ठीक है उस्ताद जी हैं, किधर है नीचे गाड़ी के? करना क्या? व्हील बैलेंसिंग और अलाइनमेंट है गाड़ी के अंदर। नहीं जी भाईजान, ये हम पहुंच गए हैं, ये सामने उस्ताद जी, ओ तेरा पुलाव जी, गाड़ी बंद हो गई। बेटा तुमसे ना हो पाएगा। ये उस्ताद जी है। उस्ताद जी क्या हाल है? ठीक है, इधर लगानी है? ओए होए, अच्छा नहीं जी, अब लगाएंगे हम आके। ठीक है, ओके। नहीं जी, गाड़ी हमने लगा दी है, अब इसकी व्हील बैलेंसिंग और अलाइनमेंट जो है वो की जाएगी, और बाकी देख लेंगे इसमें क्या क्या मसला है, क्या क्या कमियाँ होती हैं, तो बाकी को हवाले करते हैं गाड़ी और देखते हैं कि कैसे होती है व्हील बैलेंसिंग। बोले जी भाईजान, गाड़ी के व्हील खुलना शुरू हो गए हैं, पहले ये किए जाएंगे व्हील बैलेंस, और अभी ये टायर खोले जा रहे हैं। अच्छा, ये पहले ना जो पीछे वाले टायर थे ना जो वो आगे लगाए थे, क्योंकि जब गाड़ी का स्टीयरिंग करते थे ना तो आवाज़ करती थी यू टर्न के टाइम। उस्ताद जी ने पिछली दफ़ा जब अलाइनमेंट और बैलेंसिंग की थी ना, तो आगे वाले टायर पीछे कर दिए थे, पीछे वाले आगे कर दिए थे। ये देख लेना, ये मसला ना हो, वो आगे आ जाएगा। हाँ, बस चेक कर लेना। अब वो उधर कर रहा है बैलेंस,
तो ये टायर जो उनसे हैं वो बैलेंसिंग स्टार्ट हो गया है, आपको दिखाते हैं कि बैलेंसिंग जो है वो किस तरह से की जा रही है, वो भी आपको पोर्शन दिखा देते हैं। नहीं नहीं, ये टायर जो है वो बैलेंस के लिए लग गया है, अभी इसको घुमाया जाएगा और इसका जो प्रॉपर बैलेंसिंग जो है ना वो इसकी चेक की जाएगी। तो भाईजान ये शुरू हो गया। हाँ जी, फ़र्क है साजी, कैसे पता चलता है कि फ़र्क है? अच्छा जी, ये मशीन बताएगी हमें अच्छा कि कितना फ़र्क है। ये आपने पॉइंट सेट किया, टायर का साइज सेट किया, 14 का लगा हुआ है, वैसे 13 का आता है ना सिटी में, तो 13 का बेहतर होता है 14 का बेहतर होता है? अपनी मर्जी, जेन्युइन 13 का है फ़र्क। नहीं नहीं, ये फ़र्क था टायर में। अच्छा, ये पहले भी बैलेंस हुआ है मेरे ख्याल से, ये मूव हुआ है। अब आप ये नए लगाएंगे, तो ये वो वेट होता है जो आपके टायर पे लगाया जाता है और उसके बाद आपका जो बैलेंस है ना व्हील का उसको सेट किया जाता है। अभी कितना फ़र्क बता रहा है? कितना बताया? रिम टेढ़ा है तो वो फ़र्क हो जाएगा सही थोड़ा सा। चलें अभी फिलहाल बैलेंसिंग आप करते हैं, रिम भी सीधा करवा लेंगे इसका। चल झूठा जी, रिम जो है ना वो थोड़े से टेढ़े हैं। ये मुझे, मैंने जब पहली बार बैलेंसिंग करवाई थी तब भी मुझे कहा था, लेकिन मैं तब से अभी तक बैलेंस करवा के चल रहा हूँ। ये होते किस चीज़ के बने हुए हैं? लोहा होता है? ये भी टेक्निक होती है कि आपने इसको लगाना कहाँ पर है। ये इस वक्त इसकी बैलेंसिंग जो है, सारा कमाल जो है ना वो इस मशीन का है। ऐसे ही है, कितना फ़र्क रह गया? 15 तारीख है, आपकी भी बना लेते हैं ना। आप क्या करते हैं? यही काम करते हैं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद हसन। नहीं जी, ये मोहम्मद हसन साहब हैं, ये भी यहाँ के उस्ताद जी हैं। अच्छा हाँ जी, उस्ताद जी आ गया 00? नहीं जी, 00 आ गया, और टायर में जो फ़र्क था वो ठीक कर दिया गया। बाकी भी जो टायर हैं वो इसी तरह से उसकी बैलेंसिंग की जाएगी और उसके बाद अलाइनमेंट होगी। नहीं जी, ये बैलेंसिंग ये इस वक्त बाकी टायर्स के जो होंगे इसी तरह बैलेंसिंग के बाद इसको फिट किया जाएगा, और फिट करने के बाद जो उनसे गाड़ी में लगा के और यहाँ ये जो रैंप है इसके ऊपर चढ़ा देंगे और फिर इसकी अलाइनमेंट करेंगे। और बाकी फिर आपको उस्ताद जी से भी बात करवाएंगे कि उस्ताद जी क्या कहते हैं। उस्ताद जी वैसे आ गए, अभी उस्ताद जी को नहीं छेड़ेंगे, उस्ताद जी को एक स्पेशल फ़ोन करवाएंगे फैजान भाई का, जो कि हमारे दोस्त हैं ऑटो चैनल वाले, उनकी ज़रा रिक्वेस्ट है ना, ज़रा थोड़ा सा काम अच्छा हो जाता है, ज़रा थोड़ा सा वो आ जाता है कि भाई फ़ोन आया जी कि कम नहीं करना है। तो वैसे तो उस्ताद जी वैसे बड़े प्यार करने वाले भाई हैं और बड़े अच्छे, और सबसे अच्छी बात पता है क्या इनकी, कि ये जब ये अलाइनमेंट करते हैं ना तो आपकी अगर सस्पेंशन में कोई भी फ़र्क है या कोई कमी है या कोई हिस्सा ख़राब है तो ये आपको बता देते हैं कि भाई जान आपका ये हिस्सा ख़राब है। जैसा कि मैं पिछली दफ़ा जब आया था ना अपनी अलाइनमेंट और बैलेंसिंग करवा लेते हैं, तो इन्होंने मुझे बताया था कि मोल्डिंग रबड़ जो है ना वो आपके उसमें थोड़ी सी स्पेस आ गई हुई है, तो इसलिए आप बदलवा दें। तो मैंने जो है ना उस वक्त फिर वो जाके चेंज करवा दिए थे। सबसे अच्छी बात राजीव मोटर्स की ये है, उस्ताद राजी की, कि ये चीज़ बता देते हैं कि आपकी कोई ख़राब है तो उसको बदलवा लें। ले जी, अलाइनमेंट के प्रोसेस में जब करेंगे तो अब आपको सब दिखाते हैं कि गाड़ी रैंप पे जब जाएगी तो क्या होगा। A few moments later, बैलेंसिंग का काम जो है वो मुकम्मल हो गया है और अब जो है उस्ताद जी को गाड़ी हवाले कर दी है। उस्ताद जी कुछ लोग है वो गाड़ी ड्राइव करके रैंप पे लेके जा रहे हैं और फिर इसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा हो सकता है कि मेरी आवाज़ जो है ना वो आप तक मुश्किल से पहुँच। पूछा मैंने कुछ, क्योंकि शोर बहुत है साथ साथ,
काम भी चल रहा है तो अक्सर वर्कशॉप में जो होता है ना वो इसी तरह से इशू आता होता है कि आवाज़ का ना थोड़ा सा वो कमी होती है, तो लिहाजा आवाज़ की शिकायत मत कीजिएगा क्योंकि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे काम भी चल रहा है। तो नहीं जी, रैंप पे गाड़ी चढ़ गई है, अब इसको यहाँ पे फिक्स कर दिया जाएगा। वो जो प्लेट्स हैं उसके ऊपर आपको वो नज़र आ रही होगी, ये वाली प्लेट्स, इनके ऊपर ओके करके इसके आगे स्टॉपर लगाएंगे और फिर इसकी जो अलाइनमेंट है वो शुरू की जाएगी। ये जो है ना अब अलाइनमेंट के लिए खड़ी कर दी गई है रैंप के ऊपर गाड़ी, और अब इसकी अलाइनमेंट जो है वो शुरू की जाएगी। अलाइनमेंट बेसिकली मैंने आपको बताया कि गाड़ी की इसलिए भी ज़रूरी होती है कि एक तो आपकी गाड़ी बड़ी स्मूथ चलती है, दूसरा आपके जो टायर्स होते हैं ना उनकी लाइफ बढ़ जाती है। तो अब जो है ना वो साजी अलाइनमेंट करेंगे तो आपको साथ साथ दिखाते रहते हैं। जी गाड़ी जो है उसकी अलाइनमेंट हो गई है और अब जो है गाड़ी के ट्राई के लिए जा रहे हैं उस्ताद जी। बड़े ही मायराना अंदाज में गाड़ी बाहर निकालते हुए, कोई इंच का फासला छोड़ते हुए, तो ये अब गाड़ी जा रही है बाहर। उस्ताद जी अब ट्राई करेंगे और उसके बाद जो है ना पता लगेगा कि गाड़ी ठीक है या नहीं। बाकी जो है अलाइनमेंट और इसकी व्हील बैलेंसिंग जो है वो ऑलमोस्ट डन हो गई है। वो जो थोड़ा बहुत मामला रह जाता है ना, कसर वाला रह जाता है कि क्या कभी पेशी है, वो जब एक ट्राई के लिए बाद आ जाती है गाड़ी, उसके बाद जो उनसे वो बाकी चीज़ें हल कर दी जाती हैं। तो लिहाजा अभी इसकी ये ट्राई की जाएगी, शाम भी हो गई है, तो बाकी जो उनसे है ना वो ट्राई के बाद जो कमी पेशी है वो दूर की जाएगी। तो अभी उस्ताद जी आते हैं ट्राई के बाद, तो फिर उनसे बात करेंगे कि क्या सब कुछ ओके है, और वो बताएंगे, तो फिर जो भी वो बताएंगे आपको साथ साथ दिखाते रहेंगे। A few moments later. तो उस्ताद जी ट्राई के बाद आ गए हैं, उस्ताद जी के पास चलेंगे और देखेंगे कि क्या हाल बनी है, कोई कमी पेशी है या सब कुछ ठीक हो गया। उस्ताद जी कोई है कमी पेशी? मोटर, हाँ जी मोटर इधर नो जोर ज़्यादा ला रही है, उधर नो कट ले रही है, मोल्डिंग के रबर लास्ट में बदले थे मुझे, अब उसमें क्या फर्क है जाम तो नहीं होगा जिसकी वजह से? अच्छा, क्योंकि मैंने लास्ट टाइम मोटर भी चेक करवाई थी और कंगी भी चेक करवाई थी, मोटर में बस ये तो जोर लगा रही है, ख़राब नहीं है। अच्छा, खराब नहीं, जोर ज़्यादा लगा रही है। चलें देखिए, चेक डबल कार्बन होता है ना इसमें। हाँ हाँ। A few moments later. तो ले जी भाईजान, व्हील बैलेंसिंग और अलाइनमेंट तो हो गई है और ऑलमोस्ट ये हुई है कोई, क्योंकि मैंने आपको कहा था कि मैं आपको डॉलर में बताया करूँगा क्योंकि आजकल डॉलर की भाईजान बड़ी डिमांड है, डॉलर में ही बात करेंगे। तो डॉलर में ये कोई ऑलमोस्ट जो आज का रेट है, आज का रेट पाकिस्तान में 288 रुपए कुछ आ रहा है गूगल के ऊपर डॉलर रेट, तो उस हिसाब से अगर हम बात करें तो इस वक्त जो व्हील बैलेंसिंग और अलाइनमेंट हुई है मेरी गाड़ी की वो कोई 3.4 डॉलर में हुई है। तो अब चलेंगे पेट्रोल डलवाने की तरफ, क्योंकि पेट्रोल की लाइट जो है वो मुसलसल मुझे इशारा दे रही है कि पाइन पवा लो पवा लो, ताड़ी मेहरबानी पवा लो। तो अब चलेंगे गाड़ी की तरफ, सॉरी पेट्रोल पम्प की तरफ, और वहाँ जाके पेट्रोल डलवाएंगे। और वो जो मैंने आपको कहा था ना कि एक ट्रिक बताएंगे आपको, वो होता तो वैसे दिल की तसल्ली है क्योंकि जिन्होंने चूना लगाना उन्होंने वैसे भी लगा देना है, तो लिहाजा वहाँ चलेंगे और वहाँ चल के जो उनसे पेट्रोल डलवाएंगे और आपको बताएंगे भी कि जब आपने जाना है तो आपने जो फिलर है उसको क्या कहना है कि किस तरह से पेट्रोल डाले ताकि कम से कम चूना लगने के चांसेस हो। तो बगैर वक्त जाया किए पेट्रोल पम्प पे पहुँच के आपसे मिलते हैं। 20 minutes later. तो ले जी हम पेट्रोल पम्प पे आ गए हैं। पूछा मैंने कुछ? और जिस तरह मैंने आपको कहा था कि मैं आपको बताऊंगा कि आपने पेट्रोल पम्प पे आके क्या कहना है, तो पेट्रोल जब भी आप डलवाने आए जितने का भी आपने डलवाना है, रुकिएगा एक सेकंड मैं आपको साथ साथ रखता हूँ। चाचू 2999। हाँ 2299 नहीं 2999। तो जिस तरह मैंने आपको बताया कि आपने जब भी पेट्रोल डलवाना है, जिस तरह मैंने अभी आप इनको कहा है कि 2999 का मतलब अमूमी तौर पे मैंने 3000 का पेट्रोल डलवाना था, लेकिन मैं पेट्रोल डलवा रहा हूँ 2000। हाँ जी ठीक है, बिल्कुल ओके। 3900। हाँ जी 2999।
तो आप कोशिश किया करें कि एक दो रुपए कम रख के पेट्रोल डलवाएं। उसकी वजह ये होती है कि जब आप पेट्रोल डलवाने जाते हैं ना, तो ये अक्सर 10-15 रुपए या पूरे फिगर के ऊपर ना इन्होंने कोई ना कोई लिमिट सेट की होती है, जिसकी वजह से पेट्रोल कम आता है। तो लिहाजा जब आप पेट्रोल डलवाने आए तो एक दो रुपए कम रखा करें। दूसरी टिप ये है कि हमेशा जब आप फिलर के नोजल में देखेंगे ना, तो तीन पॉइंट होते हैं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। फर्स्ट बहुत स्लो होता है, सेकंड जो होता है वो नॉर्मल होता है, और थर्ड बहुत फास्ट होता है। अमूमी तौर पे जो फिलर होता है ना, वो फास्ट वाले पे रख के करता है ताकि जल्दी से पेट्रोल जाए। उसमें क्या होता है कि ज़्यादातर पेट्रोल कम डलता है, तो लिहाजा फर्स्ट पॉइंट पे रख के जो है ना वो हमेशा पेट्रोल डलवाना चाहिए। तो हमारा इस वक्त पेट्रोल डल चुका है 2999 का, और हम इस वक्त ये कार से कर दें पेमेंट। कार भी दे देना, गजब बेइज्जती है। तो चाचू ज़रा ना हमेशा ही गुस्से में रहते हैं। अब हमारा 2999 का पेट्रोल डल चुका है, तो लिहाजा पहली टिप ये है कि जितने का आपने पेट्रोल डलवाना उसे एक दो रुपए कम रख के डलवाएं। और दूसरी बात ये है कि उसे कहें कि पहले पॉइंट पे रख के डालें, या उसे कहें कि ओपन रख के डालें। ओपन मीन्स ये होता है कि वो कंट्रोल रखते हैं, और उसमें ये होता है कि चूना लगने के चांसेस कम होते हैं। तो लिहाजा अगर आप चाहते हैं कि पेट्रोल डलवाते हुए आपको चूना ना लगे, तो इन दो बातों का ख्याल ज़रूर रखें। और मेरा ख्याल है कि मेरा इसके साथ पेट्रोल जो व्लॉग है वो आज का कंप्लीट हो चुका है, जिसमें हमने $3.50 की व्हील बैलेंसिंग और अलाइनमेंट करवाई है, और प्लस पेट्रोल डलवा के अब हमारी गाड़ी रेडी टू गो है। तो लिहाजा चलते हैं अगले सफ़र की तरफ। तो जब अगला सफ़र शुरू करेंगे तब आपको फिर ऐड कर लेंगे, साथ साथ आपको रखते रहेंगे इसी तरह। तो जाते जाते आपको एक बात ज़रूर कहूँगा कि अपने और अपने गिरदनवार लोगों का ख्याल ज़रूर रखें। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।